नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। जल संकट से परेशान है ग्रामीण, कलेक्टर के नाम ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। गांव वालों ने की पानी की समस्या के जल्द निराकरण की मांग। भोपाल में द एक्सपर्ट शॉर्ट्स वर्कशॉप का आयोजन, कार्यक्रम में फिल्मी हस्तियों ने की शिरकत। अब जल्द ही प्रदेश के बच्चे भी सीखेंगे फिल्म बनाना। और इंदौर में निगम, पुलिस, व्यापारिक संगठन दिखे एक साथ। बाजार में अस्थायी दुकानों पर लगेगी रोक, पार्किंग जैसी अव्यवस्था पर भी कसी जाएगी नकेल। दमोह जिले के बांधकपुर जोगेश्वर धाम में ग्रामीण जल संकट से बेहद परेशान है। यहां पर सरकार की जल योजना फेल होती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि सरपंच की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि सरपंच ने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया, जिसके कारण बिजली का कनेक्शन कट गया है और पानी सप्लाई बंद हो गई है। इन्हीं बातों से परेशान होकर ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा, साथ ही समस्या के जल्द निराकरण की भी मांग की है। समस्या हो चाहे पानी की समस्या हो, चाहे राशन कार्ड की समस्या हो, कहने का मतलब है कि गांव में रहने वाले जो भी हैं, दमोह मुख्यालय है, वार्ड के लोग तो दो मिनट में मोटरसाइकिल दबाई कलेक्टर आ गए या दो मिनट में हमारे पास आके समस्या को बता दिया। तो दमोह के विधायक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि दमोह के लोगों की, खासकर ग्रामीण के लोगों की, क्यों तुमको खुद दिख नहीं रहा क्या? दमोह बुधवार को भोपाल के मिंटो हॉल में एक दिवसीय शिक्षण और इंटरैक्टिव सत्र हुआ। इस सत्र का नाम द एक्सपर्ट शॉर्ट्स वर्कशॉप रखा गया, जिसमें फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग बसु सहित ड्रीम गर्ल के लेखक और 6 अन्य फिल्मी हस्तियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम को लेकर पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और फिल्म के अनुकूल बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। मध्य प्रदेश में भी छात्र छात्राएं फिल्म बनाने के बारे में अब सीख सकेंगे। इंदौर की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के उद्देश्य से नगर निगम, यातायात पुलिस और व्यापारिक संगठन एक मंच पर आ गए हैं। इसी के चलते सभी की जवाबदारियां बांट दी गई हैं। बताया जा रहा है कि राजबाड़ा और इसके आसपास अस्थायी दुकानें नहीं लगने दी जाएगी। वहीं स्थायी दुकानदार भी दुकानों के बाहर सड़क घेर कर सामान नहीं रखेंगे, साथ ही पार्किंग जैसी अव्यवस्था पर भी लगाम कसी जाएगी। मध्य क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए CCTV भी लगाए जा रहे हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश में डेंगू और मलेरिया लगातार बढ़ता जा रहा है, यही हाल इंदौर में भी है। इंदौर में लगातार बढ़ते डेंगू मलेरिया को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू पर प्रहार अभियान चलाया है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया, जो नगर निगम की टीम के साथ घर घर जाकर डेंगू मलेरिया से बचने के उपाय बताएगी। बता दें, इस बीमारी को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कार्य करने में जुटी हुई है। मोहल्ले में दवा के छिड़काव के साथ गंदे भरे हुए पानी का सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। अभियान चालू किया गया है, किस प्रकार से देखिए, डेंगू जो एक बीमारी है जो डिजीज मॉस्किटो के काटने से होती है, जो मॉस्किटो होता है ज्यादा डिजीज से होता है, काटने से बुखार, शरीर में चक्कर पाना, बदन दर्द होना, ये सब चीज़ें होती है। कई बार वगैरह भी कम हो जाते हैं और अभी जो डेंगू चल रहा है उसमें ब्लड कम नहीं हो रहे हैं, तो इससे ये अभियान जो है इसमें क्या डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे पूरे संभाग में 305 मरीज डेंगू से पाए गए हैं। अभियान चलाया किस प्रकार से? तो हमारा जो केस का जो कार्यक्रम है कि आज जो 15 तारीख को डेंगू का प्रहार क्योंकि डेंगू केसेस काफ़ी बढ़ गए और हमारे यहाँ जिले के अंदर भी डेंगू के केसेस काफ़ी आ गए और रात में भी केला केस आए, इसलिए 164 केसेस हमारे इंदौर जिले में केस रिपोर्ट पोर्टल हो गए। तो आज डेंगू के प्रहार में 9 बजे से 11 बजे तक के जो अलग अलग वार्ड में अलग अलग एरिया में सर्वे के लिए टीमें निकली है और वहाँ पर लार्वा सर्वे कर।
हाल ही में इंदौर पुलिस के डांसिंग कॉप यानी प्रधान आरक्षक रंजीत सिंह को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम ने कमिटमेंट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया। गौरतलब है कि यातायात सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सराहनीय सेवाओं के लिए रंजीत सिंह इंदौर पुलिस को लगातार गौरवान्वित करते रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को रंजीत सिंह ने ट्रैफिक मुख्यालय में कमिटमेंट सर्टिफिकेट भेंट करके एक बार फिर इंदौर का नाम रोशन किया। बता दें, प्रधान आरक्षक रंजीत सिंह के कामों की प्रशंसा ब्रिटेन के सांसदों ने भी की है और उक्त सम्मान मिलने पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी है। डेफिनेटली वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आना, ये इंदौर के लिए, इंदौर पुलिस के लिए, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कहने की बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरा इससे हौसला बहुत बढ़ गया है और ये बात साबित होती है कि अगर आप काम करते हो और कंटिन्यू काम करते हो, ऐसा नहीं कि एक दो दिन करके छोड़ दिया, कंटिन्यू अगर काम करते हो, क्योंकि जब मेरी बात हुई वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अधिकारियों से तो उन्होंने बोला सर, दो साल की जो आपकी मेहनत है हमने उसको देखा है, हमने उसको जांचा है, रिपोर्ट बनाई है, तब जाकर आपको सर्टिफिकेट मिला। तो कहीं ना कहीं देखिए हौसला अफजाई है, मेरी विभाग का नाम रोशन हुआ है और आपके माध्यम से मैं इंदौर की मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने एक एक कवरेज मेरा बहुत अच्छे से किया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इंदौर के मीडिया के छापे गए पेपर्स हों चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के न्यूज़ हैं, उन्होंने उसको रिकमेंडेड किया है, उन्होंने उसको माना है और उनकी जांच करवाई है और जब सही प्राप्त हुआ है वो सारी न्यूज़, तो दैट्स द रीज़न कि इंदौर मीडिया को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि उनकी वजह से मेरी जो काम है, एक आप काम करते हो अच्छे से मेहनत से काम करते हो मगर उस काम को वहाँ तक पहुँचाने का काम मीडिया का होता है और यकीन माने चौथा स्तंभ जो है उसने मेरा बहुत साथ दिया, इस वजह से ये मेरे को ये सम्मान मिला। तो मैं ये सम्मान का जो हक है वो भी इंदौर की मीडिया को देना चाहूँगा क्योंकि उनकी वजह से जो न्यूज़ है वो वहाँ तक पहुँची और उनका सर्टिफिकेट आज हमें प्राप्त हुआ जो मैं आज अपने उच्च अधिकारियों को हैंड ओवर करने वाला हूँ। मुझे बहुत बड़ा अवार्ड्स आया जो कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दिया है, ये बहुत ही सम्मानजनक बात है। और पूरी ट्रैफिक पुलिस जो इंदौर ट्रैफिक पुलिस है वो गौरव महसूस करती है कि हमारे यहाँ से किसी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में सम्मानित किया गया है, वो तो कोरोना की सेवाओं के लिए जो विशेष स्तर है, इसलिए बड़े सम्मान की बात है और यह एक प्रेरित करने वाली बात है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी, जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।